अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में मैं आप सब के साथ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूंगी। ये इस वीडियो का पार्ट वन है, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने अपनी ज्वेलरी को एक बड़े से बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रखा है। इससे क्या होता है कि जो ज्वेलरी होती है आपको इजीली एक ही जगह से मिल सकती है, जो कि बहुत कन्वीनियंट रहता है। सो इस बॉक्स को, ये एक क्लोथिंग बैग का बॉक्स है जिसको मैंने एक पेपर से रैप कर दिया है, एक कलरफुल पेपर से। सो इस तरीके से ये बॉक्स सेफ भी हो जाएगा। सो ये मेरी ये हाफ ज्वेलरी कलेक्शन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, हाफ नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। सो इन सबको मैंने एक शॉपर में ज्वेलरी को रैप करके रखा है ताकि ये डिसकलर्ड ना हो या टर्निश ना हो। सो ये वॉच मेरी मोस्ट फेवरेट वॉच है जो कि आप डेली वेयर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी वेयर कर सकते हैं। और ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, तकरीबन इसकी प्राइस 2000 to 1500 थी, जो कि बहुत ही इजीली कन्वीनियंट है और मेरी मोस्ट फेवरेट है। नेक्स्ट है ये ब्रेसलेट जो कि मैंने लोकल शॉप से ही बाई किया था। ये गोल्डन कलर का ब्रेसलेट है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है और ईजी टू वेयर है, और ये बहुत ही एलिगेंट लगता है। आप इसको हैवी ड्रेस के ऊपर भी पहन सकते हैं, नाइट और फॉर्मल ड्रेस के ऊपर भी पहन सकते हैं। सो नेक्स्ट एक और ब्रेसलेट है जो कि कॉपर और गोल्ड कलर का है, जो कि मैंने एक थ्रिफ्ट शॉप से बाय किया था। ये भी मुझे बहुत पसंद है और इसको भी मैंने एक गोल्डन ड्रेस के साथ पहना था। सो ये कुछ इस तरीके का लगता है पहन कर, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, ईजी टू वेयर है। नेक्स्ट है ये पेंडेंट जो कि मैंने कुर्तुबा के एक शॉप से लिया था, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पेंडेंट है, ली थी। और अब ये सिल्वर कलर की रिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है, सिल्वर रिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फ्लावर वाली मैंने एक हैदरी की ज्वेलरी शॉप से ली थी, जहाँ पर 150 का डिस्काउंट पे सेल थी, वहाँ से मैंने ली थी। एंड बाकी दो मैंने तारिक रोड से ली थी। सो ये बहुत ही एलिगेंट लगती हैं जब आप किसी फंक्शन वगैरह में जाएँ पहनकर। और ये एक स्टोन वाली रिंग कहेंगे इसको, ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। ये इयररिंग्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। ये फ्लावर वाली इयररिंग्स वाइटिश कलर में हैं, पर्ल्स में। ये इसी तरीके से ये भी मैंने हैदरी से लिया था, जो कि मुझे 150 की पड़ी थी ईच इयररिंग। एक मैं आपके साथ पिंक बटरफ्लाई वाली इयररिंग शेयर करूँगी, वो ये हैं जो जिसमें एक नीचे पर्ल लगा हुआ है। ये मैंने एक पिंक ड्रेस के साथ पहनी थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये भी एक इयरिंग है जो कि फ्लावर में है, और लाइटिंग के इशू की वजह से थोड़ा सा इसका कलर ऐसा आ रहा है। ये सिल्वर इयरिंग्स हैं जो कि सिल्वर ड्रेस के साथ मैं। ये एक और गोल्डन पर्ल्स वाली इयरिंग है जो कि मैंने सेम तारिक सेंटर से ली थी, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। और ये नेक्स्ट, ये एक डेली वेयर के लिए बालियां हैं जो कि हम कैजुअली घर में भी पहन सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ दीज इयररिंग्स जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, जो कि मैंने मेहंदी की इवेंट के लिए ली थी। ये मैंने तारिक सेंटर से ली थी, जिसकी प्राइस 950 to 1000 थी, और ये उस इवेंट में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। सो नेक्स्ट इयररिंग्स मैंने एक टॉप के ऊपर ली थी जो कि बहुत ही ईजीली कन्वीनियंट टू वेयर थी, और ये 250 तक की प्राइस में मुझे अवेलेबल थी। नेक्स्ट ये चेन मैंने ली थी उस बालियों के साथ जो मैंने मेहंदी के इवेंट पर पहनी थी। नेक्स्ट ये दो मैंने कैचर लिए थे जो कि मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं। वन इज़ वाइटिश सिल्वर गोल्ड सिल्वर कलर, एंड द सेकेंड वन इज़ इन रोज गोल्ड कलर। ये भी मैंने एक लोकल शॉप से ही बाय किए थे जो कि बहुत ही एलिगेंट लगते हैं। और ये थी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। पार्ट टू इसका मैं कुछ दिनों बाद शेयर करूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।